नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिव्यांग कोटे से जेबीटी के भरे जाएंगे 187 पद। जी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों को भरने जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। इसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया। इस दौरान ब्लाइंड एंड लो विजन, डीप एंड हार्ड हियरिंग सहित कई वर्गों में इन पदों को भरा जाएगा। विभाग 17 दिसंबर से इसकी काउंसलिंग शुरू करने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 17 से 19 दिसंबर तक यह काउंसलिंग करवाई जाएगी। 17 दिसंबर को जिला मंडी लाहौल स्पीति, किन्नौर व कुल्लू के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे, जबकि 18 दिसंबर को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा व ऊना तथा 19 दिसंबर को जिला शिमला, सिरमौर, सोलन व बिलासपुर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तय की गई है। बता दें कि इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ निदेशालय आने को कहा गया। भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत ही विभागीय भर्ती करेगा। इसमें आवेदक ने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास की हो और ग्रेजुएशन व डीएड में आवेदक के 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा आवेदक टेट पास होना चाहिए। इस काउंसलिंग में आवेदक को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र साथ लाने को कहा गया। इस दौरान विभाग बिलासपुर से 16, चंबा से 15, हमीरपुर से 9, कांगड़ा से 28, किन्नौर से 1, कुल्लू से 10, मंडी से 37, शिमला से 20, सिरमौर से 23, सोलन से 20 व ऊना से जेबीटी के 8 पद भरने जा रहा है। 12 वर्षों की सेवा का मिला इनाम। 184 जल रक्षकों के पंप अटेंडेंट बनने की अधिसूचना जारी। राज्य में पंचायतों के माध्यम से लगे जल रक्षक काफी लंबे अरसे से ग्रामीण क्षेत्र में अपने सेवाएं दे रहे हैं और जो जल रक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं ऐसे 184 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाया गया। जल रक्षकों से पंप अटेंडेंट बने 184 कर्मचारियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश, स्टोन क्रशर की मशीनों को करें जब्त, बोर्ड जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नालागढ़ में हो रहे पत्थरों के अवैध खनन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए। अदालत ने साथ ही बोर्ड को बिजली काटने के आदेश पारित किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वेद की खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन और BBN को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के आदेशों की पालना करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने घोषित किए 4 भर्तियों के फाइनल रिजल्ट जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने बुधवार को 4 अलग अलग पोस्ट कोड के लिए हुए दस्तावेज सत्यापन के बाद कुल 6 पदों के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 966, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एवं PTI पोस्ट कोड 968 और असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट कोड 987 के 1-1 पद और प्रिजर्वेशन असिस्टेंट पोस्ट कोड 1006 के 3 पदों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करके फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यह परिणाम आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक 4 बैठकें होंगी आयोजित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर 2024 तक धर्मशाला स्थित तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा यह वर्तमान सरकार का 7वां सत्र होगा। सभादेश लौटते ही विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए माननीय राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन को भेज दिया और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पठानिया ने कहा कि तपोवन में सत्र आयोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने सियोल से ही जिला कांगड़ा प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और समुचित व्यवस्था का जायजा लेने व खुद शीघ्र ही धर्मशाला का दौरा करेंगे। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का स्वदेश वापसी पर विधानसभा सचिवालय परिसर पहुंचने पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और विधायक मलेंद्र राजन एवं विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका यह दौरा शिक्षाप्रद, व्यवहारिक तथा जानकारी पूर्ण था और वह अपने 22 दिनों के विदेश दौरे का अनुभव वीरवार पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रेसवार्ता के माध्यम से जग जाहिर करेंगे।
ईपीएफओ ऑफिसर बद्दी में सीबीआई का छापा। क्षेत्रीय आयुक्त समेत तीन को किया गिरफ्तार रिश्वत लेने का आरोप। जी सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ कार्यालय बद्दी सोलन में भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने रीजनल पीएफ कमिश्नर प्रवर्तन अधिकारी और एक कंसल्टेंट यानी कि निजी व्यक्ति सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने दो आरोपियों के खिलाफ बीते 24 नवम्बर को मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी प्रवर्तन अधिकारी ने शिकायतकर्ता की फर्म के पीएफ मांग के मामले को जो ईपीएफओ कार्यालय बद्दी के पास लंबित है उसे निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। यदि पैसा नहीं दिया गया तो 45 से 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। पर शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना सीबीआई को दी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते वक्त रंगे हाथ दबोचा। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और इसे कुछ देर में विशेष अदालत में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, नाकामी का जश्न मनाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार अपने 2 वर्ष का कार्यकाल लड़खड़ाते और गिरते हुए पूरा कर रही है। प्रदेश हैरान और परेशान है कि इस 2 साल के कार्यकाल में सुक्खू सरकार ने राज्य को 20 साल पीछे धकेल दिया है। वह कांग्रेस हिमाचल ऑन सेल का ऑफर लाई है। वह कांग्रेस सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने की बात कर रही है। वह सरकार के एक मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं इससे यह बात साफ होती है कि सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं है। नए पैटर्न के प्रश्न पत्रों से अपना मूल्यांकन कर सकेंगे विद्यार्थी, मॉडल वेबसाइट पर अपलोड। जब मार्च 2025 में नए पैटर्न के प्रश्न पत्रों के साथ होने वाली वार्षिक परीक्षाओं से पहले सुबह के बोर्ड सहित नॉन बोर्ड कक्षाओं के परीक्षार्थी बोर्ड के मॉडल प्रश्न पत्रों से अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने नए पैटर्न के साथ मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया। वह बोर्ड प्रबंधन ने इन मॉडल प्रश्न पत्रों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। वह जहाँ से अभ्यर्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर मूल्यांकन कर सकेंगे। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में करवाएगा। चैरिटेबल अस्पताल भोटा के बाहर फिर धरने पर बैठे लोग, जमकर की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राधा स्वामी सत्संग ब्यास के चैरिटेबल अस्पताल भोटा के बाहर बुधवार को सैकड़ों लोग फिर धरने के लिए जुट गए। बीते सोमवार को लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया था। लोगों ने सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था कि राधा स्वामी प्रबंधन की मांग को जल्द पूरा किया जाए और इसकी लिखित जानकारी प्रबंधन को दी जाए। सरकार की ओर से अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है। धरना के दौरान अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम श्री योजना में 132 छात्राओं को मिलेगा 2000 रुपये का स्टाइपेंड, बजट जारी। जब पीएम श्री स्कूल में पढ़ने वाली विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं को 2000 रुपये प्रतिवर्ष स्टाइपेंड मिलेगा। वह केंद्र सरकार ने इसके लिए 2,64,000 रुपये बजट जारी कर दिया है। वह प्रदेश के 11 जिलों की 132 दिव्यांग छात्राओं को इससे लाभ मिलेगा। यह राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। प्रदेश में कुल की सबसे अधिक 28 छात्राएं योजना में शामिल की गई है। वह किन्नौर जिले से कोई छात्रा योजना में शामिल नहीं है। वह पीएम श्री योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दिशा में एक पहल है। बता दें कि विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं का नामांकन पीएम श्री योजना में आने वाले स्कूलों में किया जाता है। मैं किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य 11 जिलों में इस योजना में अभी तक 132 छात्राओं को शामिल किया गया। भविष्य में छात्राओं की संख्या बढ़ सकती है। योजना में मिलने वाले स्टाइपेंड से ये विशेष आवश्यकता वाली छात्राएं अपने शिक्षण संबंधित जरूरतों के साथ अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में और नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जी हां, हिमाचल प्रदेश में और नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने नशा मुक्त हिमाचल के लिए नशा मुक्त भारत अभियान में और तेजी लाने का फैसला लिया। इस संबंध में सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय नशा मुक्त अभियान समिति की पहली बैठक में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। वह सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंह मार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तर पर नशा मुक्त अभियान समिति के प्रस्ताव बनाने की भी दिशा निर्देश दिए गए। मैं सिंह मार ने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने सहित विभिन्न क्रियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वित्तीय सहायता का आग्रह किया जाएगा। मैं अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मामले पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रस्ताव को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रदेश को मिले 139 करोड़ गृह मंत्री की अधिकता वाली समिति ने मंजूर की राशि। जो आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए हिमाचल को 139 करोड़ रुपये मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अधिकता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में विभिन्न आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूर किए हैं। वह एक आधिकारिक बयान के अनुसार समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115 करोड़ 67 लाख रुपए की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 139 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये और 8 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 378 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। वह केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से वित्त पोषण के लिए 15 राज्यों में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। सरकारी आवास न छोड़ने पर जेई से महकमा वसूलेगा 2,17,000 रुपये। जानेपुरा मामला। जे तबादले के बावजूद 16 माह से सरकारी आवास न छोड़ने वाले कनिष्ठ अभियंता से विभाग 2,17,449 से पिनल रेंट वसूल करेगा। मैं कई बार नोटिस देने जाने के बावजूद कनिष्ठ अभियंता ने अपने टाइप 3 के आवास को खाली नहीं किया था। इसके चलते प्रदेश से अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंट्स एक्ट के तहत अब किराया वेतन से काटा जाएगा। मैं साल 2023 में मार्च महीने में हमीरपुर में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता का तबादला बिलासपुर के लिए किया गया था। मैं 2 माह तक जब कनिष्ठ अभियंता ने अपने आवास को हमीरपुर में खाली नहीं किया तो नोटिस जारी किया गया है। टीसीपी क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री से पहले अब विभाग से लेना पड़ेगा एनओसी। जे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल गांव में जमीन खरीदने और बेचने से पहले जमीन मालिक को इसकी अनुमति टीसीपी कार्यालय से लेनी होगी। मैं टीसीपी एक्ट के सेक्शन 16C के तहत लोगों को अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी जमीन मालिक अपनी जमीन को बेच सकेंगे और दूसरा व्यक्ति खरीद सकेगा। अगर किसी को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना होगा तो संबंधित खसरा नंबर के ड्रॉइंग बनाकर 2 प्लॉट दर्शाने होंगे। इसके बाद टीसीपी बेची जाने वाली जमीन का साइट प्लान तैयार करेगा। इसके बाद जमीन बेचने की अनुमति मिल सकेगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन दूसरे के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे अपनी जमीन का विभाजन नहीं करना पड़ेगा। मैं टीसीपी कार्यालय में केवल अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। मैं इसमें भूमि मालिक को किसी प्रकार की ड्रॉइंग बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। सीएम सुक्खू बोले ड्रोन तकनीक से 15,000 को रोजगार, 16 लाख सोलर रूफटॉप लगेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि निर्माण, कृषि, चिकित्सा, आपदा के दौरान खाद्य वस्तुओं का वितरण आदि में ड्रोन तकनीक कारगर साबित हो सकती है। मैं ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदेश में लगभग 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मैं सुक्खू ने कहा कि सोलर एनर्जी के माध्यम से भी प्रदेश में लगभग 3,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। राज्य में घरों की छतों पर लगभग 16 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने मकान टीसीपी कानून के दायरे में। हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल सी प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्य पर लागू था। वहीं राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश से माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। मैं इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने विधेयक में संशोधन किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, डीसी किन्नौर पवारी गांव के लोगों के अधिकारों का कर संरक्षण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी किन्नौर को सोंग टोंग परियोजना प्रभावित पवारी गांव के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कंपनी की ओर से दायर अर्जी में अपने पिछले आदेशों में संशोधन किया है। अदालत ने साथ ही कंपनी प्रतिवादी नंबर 6 को अतिरिक्त भूमि पर निर्माण, डंपिंग और अन्य गतिविधियों करने की अनुमति दे दी। अदालत ने इससे पहले इस भूमि पर पुनः प्रतिबंध लगाया था। मैं कंपनी की ओर से पिछले आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दायर की गई थी। मैं जिसके तहत निर्देश जारी किया गया था कि जब तक भारत सरकार की ओर से पवारी में शामिल वन भूमि के विकल्प के संबंध में अनुमति नहीं दी जाती है तब तक इस पर किसी भी तरह का निर्माण और डंपिंग गतिविधियां नहीं होंगी। अदालत को कंपनी की ओर से बताया गया
विद्या की सहायक वन महानिरीक्षक की ओर से 29 जुलाई को जारी आदेश के तहत अंतिम मंजूरी मिल गई है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि को गैर वन भूमि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वे भारत सरकार से भी इसके लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब कोर्ट के पिछले आदेशों में संशोधन किया जाए जिससे विद्युत परियोजना के निर्माण में देरी न हो। आउटसोर्स कर्मचारियों की समय समाप्त करने पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई तक पद पर बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की समय समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। वे तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ता ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सर्दियों में जलाने की लकड़ी 78 रुपये प्रति क्विंटल महंगी, लोगों की बड़ी चिंता, अब ये रहेंगे दाम। अब सर्दियों में जलाने के लिए बालन यानी कि जलाने की लकड़ी महंगा मिलेगा। इसके दामों में 78 रुपये प्रति क्विंटल और व्यावसायिक मूल्य में 124 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। इससे पूर्व क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 2 जनप्रतिनिधि 5 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से SDM ने उन्हें आश्वस्त किया था कि बालन के दामों में कटौती की जाएगी। इसके बावजूद 2 दिन के बाद ही वन निगम प्रबंधन ने बालन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी भनक लगते ही पंचायत प्रतिनिधियों ने फिर हड़ताल पर बैठने का मन बना लिया है। जनजातीय क्षेत्र पांगी की 19 पंचायतों में 30,000 की आबादी गुजर बसर करती है। वह सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के चलते 6 माह तक जनजातीय क्षेत्र पांगी का देश दुनिया से संपर्क कट जाता है। ऐसे में यहाँ के लोग अपने घरों में ही कैद हो जाते हैं। वे लोग अपने घरों में बालन जलाकर समय गुजारते हैं। पूर्व में पांगी घाटी के लोगों को मिलने वाली बालन की सब्सिडी ही खत्म कर दी गई है। उसके बाद अब बालन के दामों में 78 रुपये तक की बढ़ोतरी होना उनकी चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठित करने को लेकर सह प्रभारियों ने नेताओं से लिया फीडबैक। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय शिमला में हुई आखिरी दिन की बैठक में पर्यवेक्षक बनाए गए कांग्रेस सह प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव विदित चौधरी और चेतन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ की। कांग्रेस सचिव चेतन चौहान ने कहा कि 3 दिनों में सभी मोर्चों के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, विधायकों और पूर्व विधायकों से फीडबैक लिया गया। मैं सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद लोकसभा और जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों नियुक्त किए हैं। वे पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। वे इसके बाद जिला, ब्लॉक और प्रदेश कार्यकारिणी गठित होगी। डिपो में दिसंबर से मिलेगा मक्की का आटा, 1 और 5 किलो की पैकिंग में किया जाएगा सेल। प्रदेश के राशन डिपो में अब प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का आटा भी मिलेगा। वह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 1 और 5 किलो की पैकिंग में इस आटे को अपने राशन डिपो के माध्यम से जनता तक पहुंचाएगी। वह सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मुहैया करवाने वाला यह महकमा पहली बार मक्की के आटे को सेल करने की तैयारी कर रहा है। वह किसानों द्वारा बिना अंग्रेजी खाद के तैयार की गई प्राकृतिक खेती से तैयार इस आटे का भाव 80 रुपये किया गया। मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पहले चरण में मक्की का आटा जिला कांगड़ा के कुछ चुनिंदा डिपो में बेचने वाला है। मैं योजना के तहत सरकार पहली बार किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की फसल को 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है। विभाग ने फ्लोर मिलों से मक्की की पिसाई करवा ली है। मैं जल्द ही उचित मूल्यों की दुकानों में बेचने के लिए उपलब्ध होगा। 47 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज, क्रिप्टो ठगी प्रकरण में पुलिस के हाथ नहीं लगा मास्टरमाइंड, 76 गिरफ्तारियां। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में अब तक मुख्य आरोपियों की 47 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है। हालांकि अब तक पुलिस विभाग के SIT के हाथ मुख्य आरोपी विजय जुनेजा नहीं लगा है, जबकि ठगी की 2500 करोड़ रुपये की राशि भी हाथ नहीं आ पाई है। इसमें आरोपियों की ओर से हिमाचल के विभिन्न जिलों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों सहित दुबई तक में विभिन्न इन्वेस्टमेंट व जोड़ने का खेल रचा है। मैं इसमें हिमाचल के 3 मुख्य आरोपियों की हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में खरीदी गई संपत्तियों में 47 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। मैं SIT को सूचना मिल रही है कि उक्त आरोपी ने दुबई में भी संपत्तियां खरीदी है। मैं तो उस संदर्भ में भी जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 वर्ष से क्रिप्टो करेंसी ठगी का मामला चल रहा है।
दो वर्ष के भीतर सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल। जो राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के गांवों तक सड़क, पेयजल, विद्युत की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना तैयार करें ताकि जनजातीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह बात बुधवार को धर्मशाला सर्किट हाउस में राजस्व एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही। पांगी तथा भरमौर के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि दो वर्ष के भीतर जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल को सड़क से जोड़ा जाएगा। 84 शिव मंदिर में स्थापित हुए 21 किलो चांदी के वासुकी नाग। जय 84 मंदिर परिसर भरमौर के मुख्य शिव मंदिर के शिवलिंग पर लगभग 21 किलो चांदी की धातु के वासुकी नाग चिन्ह को स्थापित किया गया। भरमौर, चंबा सहित पंजाब एवं अन्य प्रांतों के समस्त शिव भक्तों के सामाजिक योगदान से यह वासुकी नाग का चिन्ह बनवाया गया। मैं भरमौर शनिदेव मंदिर के प्रमुख पुजारी सुमन शर्मा की अगुवाई में गत दो दिनों से भरमौर के मुख्य शिव मंदिर के प्रांगण में पूरे मंत्रोच्चारण, पूजा एवं हवन, कीर्तन इत्यादि के बाद बुधवार दोपहर के बाद विधिवत तरीके से वासुकी नाग की प्रतिमा को शिवलिंग के ऊपर स्थापित किया गया। मैं इससे पहले इस शिव मंदिर के इस शिवलिंग के ऊपर तांबे की धातु से बनी वासुकी नाग की प्रतिमा थी, मैं जिसे पूरी धार्मिक मान्यता एवं जरूरी धार्मिक औपचारिकताओं के बाद हटाकर इसी मंदिर परिसर में शिवलिंग स्थापित कर चांदी धातु से शिवलिंग के ऊपर यह चिन्ह स्थापित किया गया। मैं लाखों रुपये से बने वासुकी नाग में शिव भक्तों का योगदान रहा। ऊना के आलू के लिए बंद हुई बांग्लादेश की सीमाएं, व्यापारियों और किसानों में निराशा। बांग्लादेश की सीमाएं बंद न होती तो हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के आलू उत्पादक किसान और मालामाल हो गए होते। वे किसानों के लिए आलू गोल्ड बन गया। मैं इस गोल्ड के एक्सपोर्ट पर बांग्लादेश की रोक ने मूल्यों की नियंत्रित किया है। मैं अन्यथा इस बार आलू के रेट के तमाम रिकॉर्ड टूट गए होते। मैं इस पहाड़ी राज्य हिमाचल में सबसे छोटे जिले ऊना ने आलू के रूप में नई ख्याति प्राप्त की है। यहाँ की यह केस क्रॉप किसानों के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। मैं दो महीने यानी 60 दिनों की यह शॉर्ट टर्म क्रॉप किसानों की आय का सबसे बड़ा साधन बन गई है। मैं ऊना का आलू देश भर में सुपरहिट हुआ है। यहाँ देश भर से व्यापारी पहुंच रहे हैं और खेतों से ही भुगतान कर आलू को खरीद कर देश ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक पहुंचा रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश की ब्रेक ने किसानों की जहाज के रूप में बढ़ रही आय पर कुछ ब्रेक लगाई है। नौकरी की है तलाश तो 30 नवंबर को आए भोरंज, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के भर जाएंगे इतने पद। अगर आप 19 से 40 वर्ष के बीच हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं वहीं SIS इंडिया लिमिटेड साहत लाइफ बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 30 नवंबर को सुबह 11 बजे भोरंज उप रोजगार कार्यालय में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। वह 10वीं फेल या पास तथा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो इन पदों के लिए पात्र हैं। वह चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें तय मासिक वेतन मिलेगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए 30 नवंबर को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज में उपस्थित हो सकते हैं। तो क्या अब खत्म हो जाएगा बजरंग पुनिया का करियर? नाडा ने 4 साल का लगाया बैन। जब भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। वह नाडा ने उन पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय टीम के चयन ट्रायल में डोप जांच नमूना देने से इनकार करने पर की है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पुनिया को इससे पहले नाडा ने 23 अप्रैल को अस्थायी रूप से लंबित किया गया था। वह इसके बाद विश्व कुश्ती संगठन ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। पुनिया ने इस निलंबन के खिलाफ अपील की थी इसके बाद इसे 31 मई तक रद्द कर दिया गया था। इसके बाद नाडा ने 23 जून को पुनिया को नोटिस जारी किया था। पुनिया ने 11 जुलाई को इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई। अब अपने आदेश में नाडा के डोपिंग पैनल ADDP ने पुनिया के 4 साल के निलंबन को जारी रखा है। इस निलंबन के कारण पुनिया को प्रतिस्पर्धी कुश्ती में भाग लेने और विदेश में प्रशिक्षण की अनुमति नहीं मिलेगी।
हिमाचल में होली लॉज गुट को किनारे लगाने की कोशिश कर रही कांग्रेस जयराम ठाकुर का निशाना। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व वाले हिमाचल कांग्रेस के संगठन में गुटबाजी की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। अब इस कथित गुटबाजी की खबरों की चिंगारी को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हवा देने की कोशिश की है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू होली लॉज गुट को किनारे लगाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में हिमाचल भवन पर कोई परिंदा भी चोंच नहीं मार सकता, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की दो टूक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हाथों में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बना हिमाचल भवन यूं ही राज्य सरकार अपने हाथों से जाने नहीं देगी। उप मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि हिमाचल भवन पर कोई परिंदा भी चोंच नहीं मार सकता है। चंबा में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में आगामी आदेशों तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल ने यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं। यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत लिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।